नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सोनम के साथ आप सभी बच्चों का हिमोथान एजुकेशन स्पोर्ट्स इनिशिएटिव फिजिकल लिटरेसी ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए फुल बॉडी वर्कआउट लेकर के आई हूँ। लेकिन बच्चों, फुल बॉडी वर्कआउट करने से पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार की गतिविधि करने से पहले हम अपने आप को चोटिल होने से बच सकें। इस एक्सरसाइज को करने से आपका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, आपकी कार्डियोवास्कुलर की एंड्योरेंस बढ़ेगी। यह गतिविधि आपको सबसे सफलता करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो है चेस्ट की और आपके आर्म्स की एंड्योरेंस बढ़ेगी और साथ ही आपका वार्म अप होगा। बॉक्स स्क्वाट करने के लिए आपको ये करना है, ठीक है? ये आपकी पोजीशन रहेगी, आपके हाथ इस तरीके से रहेंगे। जब आप बैठेंगे ना इस तरीके से, ये जो आपका है वो 90 डिग्री के एंगल में रहेगा। देन आप नाउ ये देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से आपकी ग्लूट्स, आपकी हैमस्ट्रिंग्स, आपकी नी की मसल्स की स्ट्रेंथ एंड पावर बढ़ेगी। 60 सेकंड्स के 3 सेट्स करने आपको। ट्राइसेप्स करने के लिए आपको ये आपकी पोजीशन रहेगी, ठीक है? ये आप इसको आपका ये हाथ का एंगल रहेगा, हाथ को आपको ये सेम 90 डिग्री के एंगल में आपको रखना है, ठीक है? एंड देन डाउन, देखिए जब डाउन होगी तो हमारी देन अप, देन डाउन, देन अप, देन डाउन, देन अप। इस एक्टिविटी को करने से आपकी ट्राइसेप्स की मसल्स, आपके ग्लूट्स की मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स की मसल्स की स्ट्रेंथिंग पावर बढ़ेगी। इस एक्टिविटी के लिए आपको 60 सेकंड्स के 3 सेट्स करने हैं। पावर लंज करने के लिए आपको कैसे करना है, इस तरीके से आप आगे आएंगे, ये जो आपकी पोजीशन है 90 डिग्री में रहेगी, इस तरीके। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी ग्लूट्स, आपकी हैमस्ट्रिंग, आपकी लेग की मसल्स की स्ट्रेंथिंग पावर बढ़ेगी। इस एक्टिविटी के आपको 60 सेकंड्स के 3 सेट करने हैं। आपकी शोल्डर की मसल्स की स्ट्रेंथिंग पावर बढ़ेगी। इसके भी आपको 60 सेकंड के 3 सेट्स करने हैं। मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए एक चैलेंज एक्टिविटी लेकर के आई हूँ। चैलेंज एक्टिविटी का नाम है बर्पी चैलेंज। बर्पी चैलेंज आपको कैसे करना है, ठीक है? ये करना है और आपको काउंट करना है कि आप 60 सेकंड में कितनी बार बर्पीज कर पा रहे हैं। 2, 3 आपको एक काउंट करना है कि 60 सेकंड में आप कितनी बार बर्पीज कर पा रहे हैं। चैलेंज आपके लिए है और हमारे साथ वीडियो को शेयर करना है। अब है बच्चों कूल डाउन क्यों इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो बॉडी का जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज होता रहता है और हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड जमा होता है उसको धीरे धीरे बाहर निकालने के लिए और हमारी जो हार्ट रेट का जो लेवल इंक्रीज होता रहता है उसको नॉर्मल टेम्परेचर बनाने के लिए हम गतिविधि करने के बाद, यानी कि वर्कआउट करने के बाद कूल डाउन करते हैं। चाइल्ड पोज करने के लिए आपको कैसे करना है, इस तरीके से आप इनको बेंड करेंगे, ठीक है? अगर आपको स्लोली डाउन होना है, 30 सेकंड तक आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी होल बॉडी रिलैक्स होगी। बच्चों आज के लिए इतना ही। इस बीच जो मैंने आपको फुल बॉडी वर्कआउट करने की एक्सरसाइज सिखाई है वो
वो घर पर बार बार दोहराएं और किसी भी प्रकार का संकोच होने पर आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद।